हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर, क्लास पार्टी। स्कूल जो है वो रीओपन हुआ है, दोबारा से खुला है छुट्टियों के बाद। चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे न्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने अपने हॉलीडेज़, अपनी छुट्टियां किस तरीके से स्पेंड की। सब लोग जो हैं वो अपने बातें बता रहे हैं कि उन्हें उन्हें अपनी छुट्टियों में क्या क्या किया। व्हेन डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स, तो मीना आस्क्ड आरती। तो मीना जो है वो आरती से पूछती है कि तुमने अपनी पाम्स पे, मतलब अपने हाथों पे मेहंदी कब लगाई। तो वो कहती है कि मेरे अंकल की शादी थी उसमें मैंने लगाई। फिर आरती बोलती है कि मतलब तुमने तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़े किए होंगे उनकी वेडिंग में, है ना। फिर डेविड कहता है ओ यस आई एन्जॉयड द वेडिंग फीस द मोस्ट। तो डेविड बोलता है कि मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं शादियों के खाने में। फिर आगे एट द वेडिंग वी हैड फन विद आर फिर सॉरी एट द वेडिंग वी हैड फन विद ऑल माई कजन्स एंड अदर रिलेटिव्स ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। फिर आरती बोलती है कि हाँ, बहुत मज़े आए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा। मैंने अपने कजन्स के साथ बहुत सारी चीज़ें खेली, हमने खाया और हमने बहुत सारे काम साथ में किए। वाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन द स्कूल। फिर वो कहती है कि हम लोग ऐसा ही कुछ अपने स्कूल में क्यों नहीं करते। चलो हम लोग, लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर, रिहाना आस्ट। रिहाना बोलती है कि हम लोग को भी साथ में मज़े करने चाहिए स्कूल में। फिर डेविड बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग क्लास में एक पार्टी रखें, हम लोग साथ में खाएंगे और साथ में बहुत सारे मज़े करेंगे। फिर बताते हैं कि मतलब हमारी जो कॉलोनी है उसमें हम लोग बहुत सारे त्योहारों पर, बहुत सारे फेस्टिवल्स पर, बहुत सारी पार्टीज़ रखते हैं। हम लोग सब मनी कलेक्ट करते हैं और सारी डिशेज बनाते हैं, मार्केट से बहुत सारा सामान लेके के आते हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो बच्चे कर रहे होते हैं कि क्लास पार्टी करेंगे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में भी हम लोग पैसे इकट्ठे करके पार्टीज़ वगैरह करते हैं। फिर ये भी बोलती है रिहाना कि हम लोगों को कोई ज़रूरत थोड़ी ना फेस्टिवल की कि अपनी क्लास में पार्टी करने के लिए। सैटरडे को हाफ डे होता है, इसी दिन चलो हम जो है अपनी क्लास में पार्टी रखने का प्लान बनाते हैं। एवरीबडी इन द क्लास डिसाइडेड दैट ईच वुड ब्रिंक वट ईच वुड ब्रिंक फॉर द पार्टी। मतलब हर कोई डिसाइड कर लेता है कि पार्टी के लिए हर कोई अपने घर से क्या क्या लेकर के आएगा। ऑन सैटरडे चिल्ड्रन एन्जॉयड देयर पार्टी। फिर सैटरडे आया और चिल्ड्रन ने, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया अपनी पार्टी को। और देर वॉज सो मच वेराइटी इन द फूड, और सब कुछ, सब लोग अलग अलग चीज़ें अपने घर से लेकर के आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए भी थी। उन्होंने काफ़ी सारे गेम्स भी खेले और हर कोई बहुत ही रिलैक्स था, मतलब मज़े कर रहा था। देर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग टू, लोगों ने गाने गाए, डांस वगैरह भी किया। दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन। और फिर लोगों ने डिसाइड किया कि इस तरीके की पार्टी वो लोग जो है फिर से मतलब पार्टी करेंगे इसी टाइप की। अब आगे है इस चैप्टर में सेलिब्रेटिंग बीहू। बीहू फेस्टिवल जो है वो असम में होता है, और वो कैसे सेलिब्रेट किया गया है वो हमें बताया गया है। तो सोन मोनी वोक अप अर्ली एंड रेन टू मीट हर फ्रेंड्स तनवीर, फातिमा एंड मजानी। तो सोन मोनी जो है वो सुबह जल्दी उठ गई और मतलब उठ करके भागी अपने फ्रेंड्स के पास, तनवीर, फातिमा और मजानी के। आज जो है स्पेशल डे है असम में। इसमें क्या होता है, न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। नई चावल की फसल जो है वो काटी जाती है। और द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बीहू। तो बीहू का जो फेस्टिवल है वो मनाया जा रहा है। तो ये जो है बहेला घर है, इसके बारे में अभी आगे हमें बताएंगे। अब देख लीजिए कि कैसा दिखता है ये बहेला घर, ठीक है। तो चारों जो फ्रेंड्स थे, ये जिनके सुमनी, फातिमा, तनवीर, मजानी, ये लोग गाने गा रहे थे, बातें कर रहे थे। और एज दे मेड द बेहला घर फ्रॉम बैम्बू, तो बैम्बू से ये बेहला घर बना रहे थे, बातें करते हुए, मज़े करते हुए। फिर हम लोग किस तरीके से बीहू को सेलिब्रेट करते हैं ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे। तो सोन मोनी बोलती है हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग बेहला घर ऑफ ग्रास एंड बेम्बू बिफोर द फीस्ट टू नाइट। तो फीस्ट होता है जब सब लोग मिल करके खूब सारे मतलब बहुत सारी डिशेज होती हैं, खाना वगैरह होता है, उसको फीस्ट कहते हैं। तो सोनमनी बोलती है जल्दी करो भाई, बेला घर जल्दी से बनाना है हमें, ग्रास से, घास से और बेम्बू से। बेम्बू ना जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, इस वाले रीजन में बेम्बू बहुत ज़्यादा होता है, बेम्बू ट्री। तो वो उससे और घास से ये लोग एक घर टाइप का बनाते हैं, और रात में जो है उसमें सब लोग फेस्टिवल मनाने के बाद सोते हैं। तनवीर बोलता है यस टुडे इस उरुका द होल विलेज विल ईट टुगेदर। फिर तनवीर बोलता है कि हाँ आज तो उरुका है और गांव के जितने भी लोग हैं सब लोग साथ में खाना खाएंगे। फातिमा बोलती है दे हैव स्टार्टेड
प्रिपेयरिंग फॉर द फीस्ट, हैव दे, क्या उन लोगों ने फीस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है? सोनमोनि बोलती है, येस, एवरी वन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी टू बॉय द बोरा राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, हर किसी ने मनी कॉन्ट्रीब्यूट की है, मतलब पैसे दिए हैं बोरा फिश, बोरा राइस लाने के लिए, फ़िश के लिए और वेजिटेबल्स के लिए. दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर मेज़ी, और मेज़ी के लिए सब ने जो है वुड भी अरेंज करी है. हरदिया एंड भारतिया जो है उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, मगर वो जो है वो खाने में, खाना बनाने में और बाकी सारे जो काम हैं उनमें मदद कर रहे हैं. फातिमा बोलती है, वट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स? तो सोनमोनी बोलती है, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाई ऑल दीज थिंग्स, द पोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड. तो मतलब मीट, फिश और वेजिटेबल्स ये जो हैं, मतलब कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग बाज़ार से जा कर के बोरा फिश लेकर, बोरा फिश बोल रही हूँ मैं बार बार, पोरा राइस है, पोरा राइस जा कर के ले करके आ गए हैं, उसको सोक कर दिया है, मतलब उसको भिगो करके रख दिया है. होल विलेज, पूरा का पूरा विलेज जो है वो बिजी है. पिथा, पिथा भी एक तरीके की चीज़ होती है, डिश टाइप की होती है, तो उसको बनाने में पूरा सारे लोग बिजी हैं. सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज. तो स्वीट पोटैटो होते हैं ना वो मीठा मीठा करके जो होता है, शकरकंदी बोलते हैं उसे हिंदी में. तो ज़्यादातर लोग जो है खाना बना रहे हैं, कुछ लोग स्वीट पोटैटो रोस्ट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं. सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट, और कुछ लोग जो हैं रात को खाना सर्व करने में मदद करेंगे. शाम के टाइम एवरी वन विल बी सर्व्ड टी एंड पिथा, शाम के टाइम सबको टी और पिथा दिया जाएगा. तनवीर बोलता है, आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट. तो तनवीर बोलता है, जो चीवा राइस हम लोग को रात में मिलेंगे मैं उसको खाने के लिए वेट कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. फातिमा बोलती है, हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड, चेवा राइस को किस तरीके से बनाया जाता है? तो सोनमोनि बताती है, दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग ताओ. तो एक बड़े से बर्तन में वो लोग पहले आग जलाएंगे और एक बड़े से बर्तन में जो है पानी बॉयल करेंगे और उसमें चावल डालेंगे. ऑन दिस फेसल दे विल पुट द कढ़ाई, कढ़ाई रखेंगे, उसमें जो चावल हैं वो डालेंगे और उसको कवर कर देंगे बनाना के पत्तों से. आफ्टर सम टाइम चेवा राइस विल बी कुक्ड एंड रेडी टू ईट. और चेवा राइस कुछ टाइम बाद जब कुक हो जाएंगे, पक जाएंगे और फिर वो रेडी हो जाएंगे खाने के लिए. फिर आगे बताते हैं, बेला घर वॉज रेडी. अब बच्चे जो है बात करते करते बच्चों ने बेला घर को रेडी कर दिया है. फोर फ्रेंड्स रन ऑफ टू चेंज देयर क्लोथ्स. अब जो है चारों दोस्त भाग गए वहाँ से फटाफट से अपने कपड़े बदलने के लिए. सून ऑल द पीपल इन द विलेज गेट टुगेदर टू एट वन प्लेस. सारे के सारे लोग कुछ देर में इकट्ठा हो गए एक जगह. विमेन जो है वह ड्रेस्ड इन पट एंड मूगा मेखला चादोर. तो मूगा मेखला उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन करके वुमेन आ गई हैं. सोनमोनि एंड हर फ्रेंड्स रैन टू द भेला घर. सोनमोनि और उनके दोस्त जो है भेला घर की तरफ भाग गए. ड्रम्स जो है, ड्रम्स मतलब ढोलक टाइप की चीज़ें, स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरी वन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस. वो बजने लगे और हर कोई डांस करने लगा, गाना गाने लगा. एवरी वन डांस टिल दे वर टायर्ड. हर किसी ने डांस किया जब तक वो थक नहीं गए. देन दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड इन रोज टू रेडी टू ईट. और डांस करने के बाद थक करके सब लोग बैठ गए और फिर खाना खाना सब ने शुरू कर दिया. और फूड सर्व किया गया बनाना के पत्तों पर. हर किसी ने फीस्ट को एंजॉय किया और रात सब लोग ने जो है वो भेला घर में ही बिताते हैं. मजानी बोलते हैं कि सुमानी, वी should go and sleep now. We have to get up early tomorrow to light the mezi and बेला घर also. फिर वो कहता है कि हमें जल्दी जाकर के सोना चाहिए, कल सुबह जल्दी उठना है, हम लोगों को बेला घर और मेज़ी को लाइट करना है, मतलब फिर आग लगाई जाती है अगले दिन में. अब हमें ये फेस्टिवल्स के बारे में हमने देख लिया, अब हम देखते हैं मिड डे मील के बारे में. जो स्कूल्स में दोपहर का खाना दिया जाता है ना, उसके बारे में अब हमें बताया जा रहा है. अब इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में दोपहर के एक बज चुके हैं और जो फूड की खुशबू है वो बरांडे से आ रही है और स्टमक जो है वो रंबल कर रहा है, मतलब भूख के मारे गुड़गुड़ कर रहा है जो पेट है. और हम लोगों को बहुत भूख लग रही है, हम लोग को मतलब अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पे. तो फिर बेल बज गई, डिंग 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 डिंग. अब सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ड्रेन किए भागे, सबने हाथ धोए. मास्टर मोशाई ने सारे बच्चों को हैंडपम्प के पास भेज दिया. उसके एक कॉर्नर पे, मतलब कोर्टयार्ड जो था आंगन के एक कॉर्नर पे जो था हैंडपम्प लगा हुआ था, मास्टर मोशाई ने वहाँ सबको भेज दिया और बच्चों ने वहाँ हाथ धोए आनंदो से. वो कहते हैं कि हर कोई अच्छे से हाथ धोए, इस बात का तुम ध्यान देना. हाथ धोने के बाद सारे बच्चे लाइन में जो है वो खड़े हो गए. और सम हैड देयर ओन बॉक्सेस, उसके पास तो अपने खुद के डब्बे थे और कुछ के पास जो है प्लेट्स थी. और फिर सारे के सारे बच्चे सर्कल में बैठ गए खाना खाने के लिए. और खाना खाने से पहले बच्चे प्रेयर भी करते हैं. वी
प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर फॉर द गुड ऑफ़ एवरी वन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। हम लोग साथ में खेलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, हम लोग साथ में सबके रहेंगे और सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए। अब टुडे जो है, आज क्या बना था? भात सुक्तो, राइस विद वेजिटेबल इन ग्रेवी, तो दाल चावल और सब्जी बनी थी आज खाने में। यस्टरडे, कल जो था वो लूची और छोला दाल बनी थी आउटसाइड दीदी मोनीज़ रूम। तो दीदी मोनी जो हैं, उनके रूम के बाहर जो खाना है पूरे हफ्ते बनता है उसकी लिस्ट पूरी की पूरी लगी हुई है। और कितना अच्छा होता कि अगर हमें मतलब एक दिन जो है स्वीट मतलब मीठा भी कुछ मिल जाया करता, है ना। देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल, एक अलग इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो स्कूल का लंच टाइम होता है उसके बारे में, कि हम लोग जो है सर्कल में बैठते हैं और हर बच्चा एक दूसरे के बगल में बैठता है और रोटेशन टाइप का होता है ताकि हर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ बैठने का मौका मिले। तो बच्चा बोलता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, इससे क्या होता है हम लोग नए फ्रेंड्स बना पाते हैं। और मगर फूड जो है वो हमेशा अच्छा नहीं होता, कई बार राइस बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है, कई बार उसको अच्छे से पकाया नहीं जाता, और कई बार ये सब चीज़ें पेरेंट्स को इसलिए अच्छी नहीं लगती और वो नहीं चाहते कि बच्चे स्कूल में खाना खाएं। दीदी मोनी एक्सप्लेन करती हैं कि हर किसी की ड्यूटी है ये मेक श्योर करे कि चिल्ड्रन को फ्रेश, हॉट और प्रॉपरली मतलब बिल्कुल गर्म गर्म और अच्छा पका हुआ खाना बच्चों को खाने के लिए मिले आफ्टरनून की, ताकि जो बच्चा है वो दोपहर का खाना सबको आराम से मिल पाए। और पेरेंट्स ने भी फिर इस बात में हेल्प की कि अच्छे से खाना जो है बन पाए और सारे बच्चों को खाना मिल पाए। अब जो है चीज़ें थोड़ी सही हो चुकी हैं, हम लोग खाना ताज़ा खाना खाते हैं जो गर्म होता है और अच्छे से पकाया गया होता है। छोटे बच्चे कई बार अपनी प्लेट का सारा खाना ख़त्म नहीं करवाते और कई बार क्या होता है मैं और मेरे फ्रेंड थोड़े भूखे रह जाते हैं। अब क्या है, स्कूल में स्कूल्स के फूड, हम बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो दोपहर का खाना देते हैं। इट वॉज़ नॉट ऑलवेज़ लाइक दिस, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता है। व्हेन माय दीदी वॉज इन द प्राइमरी स्कूल, जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी तब बच्चों को दोपहर का खाना नहीं मिलता था, और कुछ बच्चे तो स्कूल्स में सुबह भूखे पेट आ जाते थे और पूरे दिन सोचिए वो खाली पेट किस तरीके से पढ़ाई कर पाते होंगे। तो यही हमें इसमें आगे बताया है कि मिड डे मील जो है दोपहर का खाना, वो हर चिल्ड्रन का, हर बच्चे का राइट है, क्योंकि बिना खाना खाए खाली पेट कोई ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकता है। कुछ सालों पहले हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हर स्कूल में दोपहर में बच्चों को हॉट कुक्ड फूड, गरम जो है पका हुआ खाना खिलाया जाएगा, और ये हर बच्चे का राइट है, हर बच्चे का ऐसा उसको पका हुआ अच्छा खाना मिलना हक है। चैप्टर हमारा हो गया कम्प्लीट, थैंक यू।